मॉब लिंचिंग की घटनाओं से पूरा देश परेशान है। पिछले 2 महीने में 30 से ज़्यादा घटनाएं हुई है। इसमें 29 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र, ऐसे 9 राज्यों में ये घटना घटी है। लेकिन क्यों होती है ये घटना, इसके पीछे कौन है? भारत सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप पर वायरल हुए वीडियो के कारण ये घटनाएं घट रही है। इसमें से एक वीडियो जो है वो पाकिस्तान से आया हुआ है। पाकिस्तान के एक एनजीओ ने बच्चों को भगाने वाली गैंग के बारे में लोगों का प्रबोधन करने के लिए ये वीडियो बनाया था। लेकिन भारत में इस वीडियो को एडिट किया गया। इसमें जो जनजागृति का संदेश है वो एडिट किया गया और फिर इसको वायरल किया गया। ये कौन कर रहा है हमें मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही वीडियो ऐसी भी बात नहीं है। एक वीडियो कर्नाटका से आया है, कुछ वीडियो गुजरात से आया है। महाराष्ट्र के धुले ज़िले में जहां मॉब लिंचिंग में पिछले हफ्ते 5 लोगों की मृत्यु हो गई, वहां तो सीरिया के युद्ध में मरे हुए बच्चों का वीडियो इस्तेमाल किया गया। क्या ये वीडियो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वायरल कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये कौन लोग हैं? आज तक पुलिस को ये पता नहीं चला है। लेकिन भारत सरकार ने व्हाट्सएप को खत लिखा है और वो इसके बारे में क्या कर सकते हैं ये पूछा है। व्हाट्सएप ने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें हमें भारत सरकार और समाज का भी सहयोग चाहिए। प्रबोधन करके ही इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन ये जनजागृति कौन करेगा? व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी थोप कर हम छूट सकते हैं क्या? ये जिम्मेदारी सरकार की और समाज की कितनी है? आज सोशल मीडिया पर जो जहर फैला है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले 10 सालों से इस देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज 20 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, इसका गलत इस्तेमाल किसने शुरू किया? आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने किया। पहले पहले प्रचार के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया। बाद में जो ये प्रचार है वही गोबेल्स का प्रचार बना। जो अफवाह है वही न्यूज़ बन गई। जो जानकारी है वो फेक न्यूज़ बन गई। अपने विरोधियों को पीटने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। जो इतिहास इनको मंजूर नहीं था वो बदलने के लिए ही भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल इन्होंने किया। मेरा सवाल ये है, अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म को हथियार बनाते हैं तो कभी ना कभी ये हथियार आप पर, आपके समाज पर बुमरैंग होने ही वाला है। क्या आज सत्ता में बैठे हुए लोग इसको जिम्मेदार नहीं है? एक पार्टी इस्तेमाल करती है इसलिए दूसरे पार्टी ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया? एक पार्टी या एक संस्था या एक संगठन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आज जो अफवाहें उठ रही है या मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, जब समाज का बड़ा तबका, सत्ता में बैठे हुए लोग या प्रतिष्ठित लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो ये दुधारी हथियार बनता है और क्रिमिनल के हाथों चला जाता है। आज यही हुआ है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल क्रिमिनल्स कर रहे हैं, क्रिमिनल्स वीडियो वायरल कर रहे हैं और वायरल वीडियो के द्वारा अफवाहें उठाकर ये भीड़ की हिंसा हो रही है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस देश में पहली बार नहीं हुई है, लेकिन पिछले 4 साल में जितनी घटनाएं हुई उतनी पहले कभी भी नहीं हुई थी। 2010 के बाद पिछले 8 साल में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई है उसमें से 90% से ज़्यादा घटनाएं 2014 से 2018 तक
पिछले 4 सालों में हुई है। दादरी में अखलाक हो, जुनैद हो, या फिर ऊना में दलितों पर जो हमला हुआ वो हमला हो, ये सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं, मॉब लिंचिंग के उदाहरण हैं। क्या सत्ता में बैठा हुआ पक्ष, सत्ता में बैठे हुए राजनेता मॉब लिंचिंग को लेजिटिमेसी दे रहे, ये सवाल हमें पूछना होगा। क्या सत्ता में बैठे हुए मंत्री जो है वो मॉब लिंचिंग में जो अपराधी लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं? आप दादरी में देखिए, अखलाक की हत्या के लिए जिम्मेदार जो आरोपी थे उनको एक केंद्रीय मंत्री ने समर्थन दिया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों को समर्थन दिया। त्रिपुरा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अफवाहों का समर्थन करने लगे, इतना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाकर खुलासा करना पड़ा। मालेगांव में पुलिस ने जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस पर लाठीचार्ज किया, भीड़ भाग गई, जो इसमें लोग अटके हुए थे वो छूट गए। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। जैसे धुले में पुलिस घटना तक पहुंचने में ही 2 घंटे चले गए। इस प्रकार से इस देश में अफवाहों के कारण कितने लोग मारे जाएंगे ये हम बोल नहीं सकते, ये डर हमारे मन में है। देश के लोकतंत्र को ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया कि व्हाट्सएप पर गलत मैसेज लिखने वाला जितना जिम्मेदार है उतना वो मैसेज फॉरवर्ड करने वाला ही जिम्मेदार है। ये समझाना पड़ेगा लोगों को कि व्हाट्सएप फ्री भी क्यों ना हो लेकिन गलत मैसेज आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, जो मैसेज आपके पास आया है वो सही है या गलत है इसकी जांच कीजिए और फिर उसको फॉरवर्ड कीजिए, नहीं तो आप कानून के शिकस्त में आ सकते हैं। सरकार क्या करेगी, समाज क्या करेगा, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक नागरिक के हैसियत से हम इतना तो कर सकते हैं, हमारे पास जो व्हाट्सएप आएगा वो हम आंखें बंद करके फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इतना भी काफ़ी होगा अफवाहों को रोकने के लिए, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए।